नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ दीक्षा एक बार फिर हाजिर हूँ एक ऐसी अपडेट लेकर जिसे सुनने के बाद यकीनन आप भी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल, जिस पर जमकर बॉलीवुड एक्टर समेत कई नेताओं के रिएक्शन आ चुके हैं। और अब हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट, जी हाँ, उन्होंने भी, वेंकैया नायडू ने भी एक बयान सामने दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। Public will receive it positively. We are seeing that documentation or the picture, Kashmir files. There is tremendous amount of enthusiasm among the people. And it's nothing to do with politics. Unfortunately, in our country, people have the tendency to make everything controversial. And also try to give it a political color. What is political color? Factual, actual, and textual things being presented to the people, why should there be any politics, any politicalization? तो आपने देखा कि किस तरह से वेंकैया नायडू ने ये बताया कि फिल्म जो है इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ जो भी आई जाती है, जो भी लाई जाती है, सच्चाई जो है वो लाई जाती है। तो हमेशा इसमें पॉलिटिक्स होती है, बल्कि कश्मीर फाइल्स एक फैक्चुअल फिल्म है, एक टेक्स्चुअल फिल्म है जो हर भारतवासी को देखनी चाहिए। अभी की वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।